क्या आपने बाहुबली देखी है? देखी ही होगी, कटप्पा आपको याद है ना? वही कटप्पा जो एक समय राष्ट्रीय सवाल बन गया था। हर कोई यही पूछ रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एक बार फिर कटप्पा चर्चा में है, लेकिन ये फिल्मी नहीं है, सियासत की बात है। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे को कटप्पा कहा, तो जवाब में एकनाथ शिंदे ने कहा, वे मुझे कटप्पा कहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि कटप्पा का भी आत्मसम्मान था और उसमें आपके जैसा दोहरा चरित्र नहीं था। महाराष्ट्र की सियासत में दोनों नेता फिर आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने दादर के शिवाजी पार्क में विशाल रैली की, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीकेसी मैदान में दशहरा रैली का आयोजन किया। दोनों के बीच खूब जुबानी जंग देखने को मिली। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गद्दार तक कह दिया। यही नहीं, दोनों ने फिल्मी अंदाज में एक दूसरे पर हमला किया। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे ने शिंदे को कटप्पा कहा, वहीं दूसरी तरफ जवाब में शिंदे ने कहा कि उन्होंने गद्दारी नहीं की, उन्होंने जो किया है उसे गदर कहते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपनी रैली में कहा, बाला साहब के विचारों के असली वारिसदार कौन है, ये सवाल पूछना अब लोग बंद कर देंगे, क्योंकि इस भीड़ ने सिद्ध किया है कि असली वारिसदार कौन है। उन्होंने कहा कि ये शिवसेना उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की नहीं है, बल्कि बाला साहब के सिद्धांतों की शिवसेना है। हमने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचार नहीं छोड़े और कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बाला साहब के असली वारिसदार विचारों के वारिसदार हैं। वहीं विजयदशमी के मौके पर उद्धव भी तेवर में थे। एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, जैसे जैसे समय बदलता है रावण का चेहरा भी बदलता है। आज ये जो गद्दार हैं, वही रावण हैं। जब मैं बीमार था और मेरी सर्जरी हुई थी, मैंने शिंदे को जिम्मेदारी दी, लेकिन उसने मेरे खिलाफ साजिश रची और ये सोचा कि मैं कभी अपने पैरों पर उठ खड़ा नहीं हो पाऊंगा। शिवसेना अपने इतिहास में हर साल मुंबई में विजयदशमी के मौके पर विशाल दशहरा रैली का आयोजन करती आई है। इस बार उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद एकनाथ शिंदे ने भी रैली कर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।